वसुदेव जी ने हां विनती करके छुड़वा लिया देवकी को, बचा लिया। कंस ने कहा ठीक है वसुदेव जाओ देखेंगे। वसुदेव जी ने सौगंध खाई यमुना मैया की, वचन दे दिया कि जो भी पुत्र पैदा होगा हर एक बालक को तुम्हें सौंप दूंगा। शनई शनई देवकी वसुदेव बड़े प्रेम पूर्वक रहने लगे। पहले पुत्र ने जैसे ही जन्म लिया, देवकी के उदर से पहले बालक ने जब जन्म लिया है, देवकी दुग्ध पान करा रही थी भोजराज कंस की, बात वसुदेव के ध्यान में आ गई, सोचने लगे हमने कंस को वचन दिया था जमुना मैया की सौगंध उठा के, ऐसा करो देवकी ये बालक तुम्हारा नहीं है, ये अमानत भोजराज कंस की है, इस अमानत को भोजराज कंस के पास मुझे ले जाना है। प्यारे सज्जनों उसी समय वसुदेव जी ने वो बच्चा छीन लिया। छीन झपटने के बाद देवकी पीछे भागी, बोले पापी कंस मार देगा, लेकिन वसुदेव जी ने एक भी नहीं माने क्योंकि वसुदेव जी वचनबद्ध थे। वसुदेव जी जब चले हैं तो देवकी रोती रही बिलखती रही, वसुदेव जी दौड़ते जो चले जा रहे। केले के बालक को वसुदेव मथुरा चले, और माँ की ममता बिलखती खड़ी रह गई। माँ की ममता बिलखती खड़ी रह गई, तड़पती रही देवकी महल में, तड़पती रही देवकी महल में, आंखों आंसू झड़ी सज्जनों।